हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज आपके लिए एक बार फिर से मूवी रिव्यू का एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज हम मूवी रिव्यू करने वाले हैं कैरी ऑन जट्टा 3। कैरी ऑन जट्टा 3 जो कि फ्रेंड्स अपनी फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट लेकर आई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप हाउसफुल के फ्रेंचाइजीज देखते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स कैरी ऑन जट्टा के भी थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है। और फ्रेंड्स, क्या कमाल की मूवी थी। मैं अभी आपको इस मूवी के बारे में सारा बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। जब मैंने फ्रेंड्स ये थिएटर में जाकर मूवी देखी है तो बहुत देर बाद एक हाउसफुल मूवी देखी और कमाल का मजा आ गया फ्रेंड्स। इसके लिए तो रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं थी। क्या मतलब, पहले ही दिन जो लोगों ने रिस्पांस दिया है इस मूवी को, बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस था। और जिस चीज ने फ्रेंड्स इसके पहले दो पार्ट्स देखे हैं तो उन्हें मालूम ही होगा कि कितनी कॉमेडियन मूवी है और फ्रेंड्स क्या धमाल होता है इस मूवी में। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी मस्ट रिकमेंडेड है, आपको ये जरूर देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मूवी शुरू होती है जस से, जो कि फ्रेंड्स गिप्पी गरेवाल बने हुए हैं और फ्रेंड्स वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका नाम था मीत, यानी कि सोनम बाजवा। और फ्रेंड्स उसके बाद जो भसड़ स्टार्ट होती है ना मूवी में, वो फ्रेंड्स देखने वाली है। आपको स्टार कास्ट फ्रेंड्स पूरा का पूरा वही देखने को मिलेगा जो कि आपने इसके पिछली दो इंस्टॉलमेंट्स में भी देखा है। थोड़ा थोड़ा स्टार कास्ट आपको चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि फ्रेंड्स इस मूवी में हमने तबरेज को एक नई एंट्री देखा। तबरेज जो कि फ्रेंड्स आजकल हर दूसरी पंजाबी मूवी में हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको पर्सनली ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये मूवी सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के लिए देखने गया था। और फ्रेंड्स क्या कॉमेडी मुझे देखने को मिली है, जो कॉमेडी पंचेस इस मूवी में देखने को मिलते हैं ना, मतलब कॉमेडी की टाइमिंग फ्रेंड्स इतनी बढ़िया दिखाई गई है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और कॉमेडी में जो फ्रेंड्स सबसे परफेक्ट नजर आते हैं, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं नाम लेना चाहूंगा गुरप्रीत गुग्गी का, और उसके बाद फ्रेंड्स तबरेज अपने, उन्होंने क्या मतलब एक्टिंग की है और क्या कॉमेडी की है, मतलब बहुत ही एंड लेवल की कॉमेडी थी। फ्रेंड्स मैं बीनू ढिल्लो से भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम रह गई बीनू ढिल्लो की कॉमेडी। मतलब उनके जो पहले दो पार्ट्स जिसने देखे हैं ना, तो उनको मालूम है कि बीनू ढिल्लो किस लेवल की कॉमेडी कर सकते हैं, और उनका वो लेवल कॉमेडी का नहीं दिखाया गया जो कि मैं देखने गया था मूवी में। और फ्रेंड्स अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में एक एक एक्टर बहुत ही बढ़िया अपनी एक्टिंग करता हुआ नजर आता है, जैसे कि गिप्पी गरेवाल, सोनम बाजवा, बीनू ढिल्लो और अपने ढिल्लो एडवोकेट साहब, और क्या एक्टिंग की है उन्होंने भाई, मजा आ गया मूवी देखकर। और फ्रेंड्स अगर ओवरऑल मूवी की बात करूं तो मूवी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। कॉमेडी के साथ साथ अच्छा टाइमलाइन भी नजर आता है, प्लॉट टाइमलाइन अच्छा नजर आता है। जिसने फ्रेंड्स इसके पहले दो पार्ट्स नहीं भी देखे हैं तो फ्रेंड्स वो भी इस मूवी को देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्टोरी टाइमलाइन पिछले दो पार्ट्स से कनेक्टेड है तो आप इसे नहीं देख पाएंगे, ये पूरा अलग टाइमलाइन दिखाया गया है और यहाँ पर फ्रेंड्स एक अलग लेवल की स्टोरी चलती है। तो आप इसे फ्रेंड्स मोस्ट रिकमेंडली आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी थी। और अब फ्रेंड्स हमारी बारी आती है इस मूवी को रेटिंग देने की। तो फ्रेंड्स इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स रेटिंग। जबरदस्त हिट मूवी है फ्रेंड्स, ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आप फ्रेंड्स इसकी अगर कलेक्शन देखेंगे ना, कलेक्शन फ्रेंड्स ऑलरेडी 3 दिन में 46 करोड़ के आसपास कलेक्शन हो चुका है, जो कि फ्रेंड्स पंजाबी मूवी के लिए बहुत ही बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। क्योंकि आज तक जो सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी रही है वो रही है कैरी ऑन जट्टा 2, जिसने फ्रेंड्स 50 करोड़ का कलेक्शन किया था अपना लाइफ टाइम कलेक्शन। और फ्रेंड्स कैरी ऑन जट्टा 3 तो अभी आई है, अभी 3 दिन हुए हैं फ्रेंड्स, 3 दिन में 46 करोड़ की कलेक्शन फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है इस मूवी के लिए। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आप इसके शोज देख लेंगे ना पंजाब में, तो पंजाब में फ्रेंड्स इसके शोज हाउसफुल जा रहे हैं, हाउसफुल, जो कि फ्रेंड्स मुझे बोलने में बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि एक पंजाबी मूवी का ऑल इंडिया लेवल पर चलना और वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी का जो चलना, वो पंजाबी सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स पंजाबी सिनेमा भी ग्रो कर रहा है, आप धीरे धीरे देखेंगे पंजाबी सिनेमा भी बहुत ऊंचाइयां छुएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।